गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन और उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बेसिक पढ़ने जा रहे हैं लिविंग डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, लिविंग डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम किसी कंपाउंड की संरचना बना सकते हैं, कैसे उनके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, वो हम सब लिविंग डॉट स्ट्रक्चर की सहायता से क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम परमाणु क्रम जानते हैं A2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा हमने 1s2 2s2 3s4 ये हमने क्या किया उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। हमने देखा कि बाइकल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने क्या कर दिया इसका लिविंग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 बाइकल कोर्स में इलेक्ट्रॉन देख के उसके ऊपर उतने ही डॉट लगा देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी क्या होती है लिविंग डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे आप नाइट्रोजन के लिए लीजिए 7 आएगा 1s2 2s2 3, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो नाइट्रोजन की लिविंग डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये 5 इलेक्ट्रॉन। सो कर दिया आपको ये, यहाँ तक तो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि आप लिविंग डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको डीपली लेके जा रहा हूँ ताकि आप किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना सकते हो, संरचना बना सकते हो, उसमें कितने बोन बनेंगे, कितने उसमें लॉन पेयर होंगे, वो सब आप कैलकुलेट कर पाओगे जब मैं लिविंग डॉट स्ट्रक्चर का पूरा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। तो देखिए आप पूरा हो भी सकता है और अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं।
कितने परमाणु को हमने देखा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है यानी हमने देखा 1 2 3 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। पर बात आती है यहां पे हमें सब पॉजिटिव चार्ज मिला है, वो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? धनात्मक चार्ज हमेशा याद रखना कहां होता है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर होता है, जबकि ऋणात्मक चार्ज क्या होता है? हमेशा किनारे वाले परमाणु पर उपस्थित होता है। तो यहां पे देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये और ये, इन्होंने तो साधा का द्रव्यमान बना दिया 4 इलेक्ट्रॉन, 20 के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसकी वजह से इसमें क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इसकी क्या होती है? एग्जैक्ट संरचना होती है इसकी, NH4 पॉजिटिव की। कैसे निकालते हैं इसमें दिखा दिया मैंने आपको, आगे चलते हैं। इसको निकालने का तरीका ही बता देता हूं, आपने कुछ निकाला क्यों, क्या था आपके पास? टोटल कुल कुल संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन एक था उसमें कितने होते हैं 5, प्लस हाइड्रोजन एक में एक होता है तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 प्लस का चार्ज हमने कहा था प्लस का चार्ज हमेशा माइनस होता है, तो टोटल कितने आए थे हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने निकाले थे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, क्योंकि बंधों की संख्या बंद कितने बना रहे हैं नाइट्रोजन, क्या कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन, 8 - 8 0, यानी उसके ऊपर आपको बता दूं लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन एक का उपयोग हम किसमें करते हैं, एयर इलेक्ट्रॉन में या फिर कह लो लॉन्ग पेयर और या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यदि ओके ट्रॉन पेयर से पूरा नहीं होता है या संयोजकता पूरी नहीं होती तो हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। ये यहां से हमने देख लिया, इस पे क्या लिखा, कोई भी चार्ज नहीं बचा, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या गया 0 आ गया। एक बार देखिए 0 कैसे आएगा, 5 + 4 - 8 ठीक है, 2 × 2 = 4 8 + 8 ठीक है, ये आ गया आपके पास 0। ये आपने क्या बना दी, उसकी स्ट्रक्चर बना दी। अब आगे देखिए दूसरा एग्जांपल या दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा उदाहरण है आपने NO3- NO3- सबसे पहले देखा है ये हमारा केंद्रीय परमाणु CA से लिखता हूं मैं, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के विन्यास हमें पता है कितना होता है 7 पे आता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का भी लिखता हूं 8 पे आता है 1s2 2s2 2p4। आप हमेशा दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर विन्यास कीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैं 2 को कैलकुलेट करता हूं, 2 हमारे पास क्या था, टोटल संयोजकता के इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में 6 से तो 3 भी टूट जाएंगे 6 × 3। अब प्लस माइनस में मतलब माइनस के साथ जब क्या होता है प्लस होता है, इसमें माइनस हो जाता है तो क्या कर दिया प्लस कर दिया इसे। अब देखिए टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 18 18 5 18 5 23 24 टोटल आ गया हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन। फिर हम निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए उनके बंधों की संख्या देखनी पड़ती है, तो एक एक केंद्रीय परमाणु हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ये थी, एक ऑक्सीजन ये थी, एक ऑक्सीजन ये थी, तीन ऑक्सीजन थी हमारे पास, हमने एक बार में सबके बीच में क्या बना दिया सिंगल बॉन्ड, तो हमने कह दिया बॉन्ड कितने थे 3, टोटल कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने आ गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 24 - 6 टोटल आ गया हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 18 इलेक्ट्रॉन का था लॉन्ग पेयर को, या तो लॉन्ग पेयर बनाएंगे इसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, द्विबंध या त्रिबंध बनाएंगे, तो देखिए द्विबंध और त्रिबंध कैसे बनाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। और आपको बता दूं हमेशा जो किनारे वाले परमाणु होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, यानी इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसके पास 2 है तो कितने चाहिए 6, मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दी, ये लीजिए इसको भी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये लीजिए इसको भी मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये लीजिए। अब हम देखते हैं किनारे वाले परमाणु का तो अष्टक पूरा हो चुका है, जबकि बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के पास देखिए 2 2 4 2 6, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या करता है एक बॉन्ड पे इसमें बदल जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में बदल जाता है। अब हम देखेंगे तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंस होगी 4, और इसमें टोटल कितना हो गया, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे,
इसका मतलब जो NO3 माइनस आ रहा है किसी ना किसी के ऊपर क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। वो देखिए कैसे आएगा। अब मैं मान लेता हूँ इसको नाम दे दिया, फर्स्ट उसको दे दिया, सेकंड उसको दे दिया, थर्ड। अब हमें बताना है कि माइनस चार्ज, आपको बता दूं जो माइनस का जो चार्ज होता है आदेश होता है वो हमेशा किनारे वाले एटम पे चलता है, और हमें पीछे एग्जाम्पल किया था कि धनात्मक आदेश होता है वो हमेशा कहाँ मिलता है, बीच वाले एटम के ऊपर मिलता है। ये हमने देख लिया कि धनात्मक चार्ज केंद्रीय परमाणु पर होता है, बाहरी किनारे पर क्या होता है ऋणात्मक चार्ज। लेकिन उसका एक फॉर्मूला आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं कैसे। अब आपको मैं आवेश निकालने का तरीका बता रहा हूं, देखिए NO3 माइनस वन हम निकालते हैं औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश जिसको हम सॉल्वेंट में क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, जिसको हम सॉल्वेंट में लेते हैं फॉर्मल चार्ज। ये होता है हमारे पास B माइनस एल बी बाई टू, ये फॉर्मूले से चार्ज निकालते हैं। आपको बता दूं यहाँ पे बी क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। एल क्या है हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अभी हमने निकाले थे। फिर ये हमारे पास क्या होता है बी, बी हमारे पास क्या होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जिसको हमने क्या कहा था बीपी निकाला था अभी। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्मल चार्ज है इसके ऊपर, फर्स्ट पे इसके ऊपर निकाल दूंगा भाई। हमें पता है माइनस चार्ज है किनारे वाले पर होता है, हमारे पास किनारे पर कितने हैं तीन है, तो इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। वो देखिए फर्स्ट पे निकाल दो, फर्स्ट पे देखो हमारे पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, छह तो लिख दिया छह, तो बाहर में छह छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस लॉन पे कितने इसके पास, वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन, लॉन पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया फोर। माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, वन टू, दो बॉन्ड बना रहे हैं इसके पास चार इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर, यहाँ लिख दिया हमने फोर बाई टू। तो हमारे पास क्या आ गया सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, क्योंकि हमारे पास मान क्या है जीरो आया उसका औपचारिक आवेश का। ऐसे ही दूसरे पे निकालता हूँ, अगर आप देखो तो दूसरा और तीसरी संरचना एकदम सेम, वही छह होगी दूसरे पास लगे इलेक्ट्रॉन छह, इसके पास है एक बॉन्ड है एक बॉन्ड है, दोनों कैसे है सेम है, तो दूसरा और तीसरे का क्या है सेम आएगा हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ कैसे, ऑक्सीजन हम जानते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन छह माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वन पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हमने लिख दिया सिक्स माइनस। अब बॉन्ड कितना है वन, एक बॉन्ड में टू होता है तो टू बॉन्ड टू, तो कितना आ गया सिक्स माइनस सेवन यानी क्या आ गया माइनस वन। अब देखिए माइनस वन चार्ज इस पे भी आ गया, माइनस वन चार्ज इस पे भी आ गया, ये तो माइनस टू हो गया जबकि हमारे पास था कितना माइनस वन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिफ्थ एलिमेंट के ऊपर कुछ फॉर्मल चार्ज निकालते हैं नाइट्रोजन। तो देखो फिफ्थ पे निकाले गए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है पांच, मैंने यहाँ लिख दिया पांच। माइनस लॉन पे इसके पास था नहीं तो मैंने लिख दिया जीरो। माइनस बॉन्ड कितने बना रहा है वन टू थ्री फोर, यानी फोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एट, तो हमने यहाँ लिख दिया एट बाई टू। तो हमारे पास क्या आ गया फाइव माइनस फोर, तो हमारे पास कितना चार्ज आ गया प्लस वन, यानी इस पे प्लस वन आ रहा है तो पे माइनस वन है। जब हम टोटल की बात करेंगे प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस वन, जो कि हम यहाँ निकालते हैं माइनस वन। इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज भी आवेश भी बता सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल में। करना कुछ नहीं होता आपको, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब अष्टक नियम पूरा करना होता है, अष्टक में उसके बाद बाहर कुछ में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो दिखाई दे रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एक चीज और बता दूं ये हमेशा क्या करते हैं मैक्सिमम संयोजकता प्रदर्शित है, जो केंद्रीय परमाणु होता है वो अधिकतम संयोजकता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, और हम जानते हैं ये अधिकतम चार बॉन्ड बना सकता है, अधिकतम चार बॉन्ड बना दिया। इसका भी अष्टक की बात करें तो फोर इलेक्ट्रॉन ये ये तो टोटल कितने हो गए एट इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल SO4 टू माइनस। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है औपचारिक आवेश का। देखो ये बताने का जो आपको न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताने का मतलब ये है जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उसमें कितने बॉन्ड बनते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो कुछ ना बता सकते हम पढ़ेंगे कि कोई रासायनिक आवेदन। तो देखिए SO4 टू माइनस
मात्रा 16 पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। हमने देखा आपको क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, वही ऑक्सीजन का लिख दिया 8 1s2 2s2 2p4। हमने देखा इसके में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने 2 निकाला, सबसे पहले 2 क्या था हमारे पास टोटल संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या s कितनी होती है 6 प्लस एक ऑक्सीजन में 6 कितने टोटल 4 तो हमने लिख दिया 4 माइनस 4 से क्या होता है प्लस होता है तो हमने लिख दिया प्लस 2 टोटल आ गया हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की। जब इसकी बात करते हैं तो क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु बनाएंगे पहले सल्फर, क्योंकि उसकी संख्या कम है 4 ऑक्सीजन एक सल्फर है, सल्फर कम है तो रोज केंद्रीय परमाणु। फिर हमने 4 ऑक्सीजन बना दिए एक बार एक सिंगल बॉन्ड से हमने सबको जोड़ दिया, तो यहाँ पे बॉन्डों की संख्या कितनी है 24 तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की। लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन के जैसे इसको माइनस कर दो 32 माइनस 8 तो कितना आ गया 24 इलेक्ट्रॉन। अब हमें 24 इलेक्ट्रॉन का यूज उपयोग किसमें कर दिया, तो लॉन्ग पेयर बना दो या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना दे। अब हमें पता था केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6। यहां मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6 अष्टक पूरा 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट अष्टक क्या कर दिया मैंने पूरा कर दिया, क्यों, क्योंकि इसके ऑटोमोशन में 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें तो 24 के 24 इलेक्ट्रॉन हमने क्या बना दिए लॉन्ग पेयर बना दिए 6 6 12 6 6 24। पर इनका तो अष्टक पूरा हो गया, सल्फर का अष्टक पूरा देखो 2 9 4 6 2 8। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आती है, हमें पता है जो सल्फर केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु अपनी अधिकतम संयोजकता प्रदर्शित करता है, और जब मैंने आपको संयोजकता वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था सल्फर कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है मैक्सिमम अधिकतम 6 करता है, तो 4 भी करता है 2 भी करता है अधिकतम कितनी करता है 6 करता है। तो यहाँ पर 4 है यानी ये मैक्सिमम प्रयास करेगा कितना 6 करने का। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल लॉन्ग पेयर था अब हमें उसको डबल बॉन्ड में बदलना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग पेयर से हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो ये कर दिया एक लॉन्ग पेयर ये कर दिया 1 2 3 4 5 6 संयोजकता पूरी हो गई 6। इसके अगर अष्टक की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वो यहाँ पे अष्टक पूरा हो गया। अब बात आती है किसकी, चार्ज की बात आती है, ऋणात्मक का जो 2 चार्ज है वो किस किस ऑक्सीजन पे होगा। तो हमें पता है ऋणात्मक चार्ज हमेशा किनारों पर होता है, अब कौन से किनारे पर होगा उसको देखिए आप। अब मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। अब आप देखो 1 2 एक जैसे 3 4 एक जैसे, एक एक करके इनका निकाल लेता हूँ। ये देखिए आगे हमारे हमने जो फॉर्मूला चार निकाला था चार का उसका फॉर्मूला क्या था, ऑटो मोशन में इलेक्ट्रॉन मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड। तो हमें पता है ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 माइनस लॉन्ग पेयर कितने 1 2 3 4 5 6 तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 अपॉन 2 तो टोटल कितना आ गया 6 माइनस 7 1 आएगा यानी कितना आ गया माइनस 1 यानी इन दोनों पे माइनस 2 चार्ज आ गया टोटल भी माइनस 2 आ गया। इसको होते रहते हैं थर्ड फोर्थ से इस पे फॉर्मल चार्ज देखिए तो कोई ऑक्सीजन का 6 बॉन्ड पे कितने अब इसके 1 2 3 4 तो हमने लिख दिया 4 बॉन्ड कितने हैं 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 भाई तो कितना आ गया 2 और 4 6 एंड 6 0 यानी इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं इन दोनों पे माइनस 2 है। वैसे तो अगर हम देखें तो हमें ये लिखा था SO4 2 माइनस 2 माइनस आ गया किसी से ऑक्सीजन पे फर्स्ट और सेकंड पे माइनस 2 पे माइनस 2 पे किनारे वाले पे है इन दोनों पे नहीं है। जबकि अब देखिए एक बार सल्फर को और निकाल लेते हैं उसको मैं फिर दे देता हूँ नाम अपने तसल्ली के लिए। तो देखिए फॉर्मल चार्ज बायटर प्लस में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन्ग पेयर 0 है ही उसके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना बना रहा है 6 यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन बटे 2 तो कितना आ गया 6 माइनस 6 यानी 0 यानी इस पर भी कोई चार्ज नहीं। और मैंने बताया भी था जो ऋणात्मक चार्ज होता है वो हमेशा किनारे वाले एटम पे होता है, धनात्मक जो चार्ज होता है वो केंद्रीय परमाणु के एटम पे होता है। तो देखो ये था हमारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से समझिए ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएगा। और कल से हम क्या करेंगे पूरा सिस्टमेटिक चलेंगे आपके एनसीईआरटी में
संयोजकता इलेक्ट्रॉन के नाम से हेडिंग है वो देख लेना, वो इससे क्लियर हो जाएगी। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते, बाह्यतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें लिविट डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है, लिविट डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, केवल आप उसके ऊपर बाह्यतर फोर्स के इलेक्ट्रॉन को बिंदी से शो कर देते हो, वही आप क्या था लिविट डॉट स्ट्रक्चर थी। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।